नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार मिशन। अरवल जिले के कलेर थाने के पुलिस को लगातार शराबबंदी कानून लागू किए जाने के उपरांत सैकड़ों बार भारी मात्रा में शराब पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। उसी दरमियान कलेर थाना अध्यक्ष संजीत कुमार अपने दल बल के साथ NH 139 पहाड़पुर मोड़ के समीप वाहन जांच अभियान चला रहे थे, तभी रुई से भरी ट्रक औरंगाबाद की ओर से आ रही थी, जिसे शक के आधार पर पुलिस के द्वारा रुकवाने का काम किया जा रहा था, लेकिन ड्राइवर भागने का प्रयास कर रहा था। तभी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक को जब्त किया और ड्राइवर खलासी को तुरंत हिरासत में ले लिया। वहीं ड्राइवर खलासी से हिरासत में लिए जाने के उपरांत ट्रक की तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक में भारी मात्रा में रुई लदी हुई थी और ट्रक में अंदर बॉक्स बनाकर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब छुपाए गए थे। फिलहाल कलेर थाना अध्यक्ष संजीत कुमार के द्वारा कलेर थाने में वाहन को लाकर तलाशी ली गई और शराब की गिनती की गई तो मालूम चला कि 266 कार्टून अंग्रेजी शराब जो हरियाणा से मुजफ्फरपुर लेकर जाए जा रहे हैं, जिसे पुलिस ने बीच रास्ते में ही पकड़ने का काम किया और ड्राइवर खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अरवल SDPO राजीव रंजन के द्वारा बताया गया कि लगातार बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और अरवल जिले की पुलिस लगातार शराबबंदी कानून को लागू कराए जाने को लेकर जगह जगह पर छापेमारी अभियान चलाने का काम कर रही है और लोगों को लगातार जागरूक भी करने का काम कर रही है, लेकिन शराब तस्करी करने वाले लोग अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाने का काम करते हैं और शराब माफियाओं से मिलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक शराब की तस्करी करने में लगे हैं, जिसके मंसूबों पर पुलिस के द्वारा पानी फेरने का काम किया जा रहा है। सुनिए SDPO राजीव रंजन के द्वारा क्या कुछ बताया गया। 350 मिलीलीटर का 130 कार्टून में 3120 बोतल मात्रा 1170 लीटर एवं 180 मिलीलीटर का 136 कार्टून में 6528 बोतल मात्रा 1175.04 लीटर अर्थात कुल 266 कार्टून में 9648 बोतल मात्रा कुल 2345.24 लीटर विदेशी शराब बरामद और जब्त किया गया। साथ ही उक्त वाहन के चालक रिंकू लाल, उम्र 20 वर्ष, पिता विनोद कुमार, साकिन बघराई, थाना सिकंदर पुरवैस, जिला कासगंज उत्तर प्रदेश एवं सह चालक विकास पाल, उम्र 20 वर्ष, पिता राजेश पाल, पता बघराई, थाना सिकंदर पुरवैस, जिला कासगंज उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। लेकर चला था और कहाँ जा रहा था? ये लोग से पूछताछ किया गया, इन लोगों से, इन लोगों के द्वारा बताया रोहतक से ये लोग चले थे और ये जा रहे थे आसाम के लिए। जो बस, जो ये 6 चक्का ट्रक पकड़ा गया है, उसमें रुई ऊपर में डाला हुआ था, रुई रखा हुआ था और उस रुई में इनके पास देखा गया तो उसमें था कि उसमें आसाम में डिलीवर करने के लिए उसमें एड्रेस दिया हुआ है और रुई के नीचे में ये सारा विदेशी शराब से भरा कार्टून जब तलाशी किया गया तो बरामद हुआ।